कि कैसे इन लोगों ने पिछड़े जाति वाले लोगों के ऊपर अत्याचार किया। गौरव, सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कन्वीनर मिस्टर राकेश राठौर साहब, ओबीसी डीजे एंट्री एटीआई तीसरा संघ के सदर है मिस्टर राकेश राठौर। मेरी बातें शुरू करने के पहले मैं हमारे आदरणीय कोसे पाटिल साहब जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज क्रांतिकारी श्री सेवालाल महाराज जी की 281वीं जयंती है और जैसे हम सर्वधर्म समभाव से यहाँ पे आज मिले हैं तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा और पाटिल साहब को गुजारिश करूंगा कि सबके तरफ से वो हमारे सेवालाल महाराज को हार चढ़ाए और आज जयंती के दिन हमारे सेवालाल महाराज जिनकी 281वीं जयंती है 1800 सदी में उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब पानी बिकेगा, और आज वो बात सच हो गई। उन्होंने एक बात कही थी, जान दो मान दो कोई भी बात को पहले जानिए, उसको छानिए और फिर ही मानिए। अगर यही बात हमने 2014 के इलेक्शन में की होती या 2019 के इलेक्शन में की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। भाइयों, 1947 में हमें आजादी मिली, 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन ऐसे बहुत से जातियां थी भारत देश में जिन्हें आजादी उसके बाद मिली। जो पिछड़े जाति के लोग थे उनका आवाज दबाने के लिए अंग्रेजों ने उनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगा दिया था, सारे पिछड़े लोगों को मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर के पास जाके उनका नाम लिखाना पड़ता था। यह कानून 1952 में निकला, तब कहां जाके हमें आजादी मिली। मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं जो सालों साल से प्रताड़ित है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे इन लोगों ने पिछड़े जाति वाले लोगों के ऊपर अत्याचार किया। गौरव, सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनके साथ पानी नहीं पिया जा सकता था। बैंडविड्थ कितनी है? वो जहां घूमते थे उनको अपने साथ झाड़ू लेके जाना पड़ता था क्योंकि जहां पे उनके कदम पड़े वो जगह अपने आप साफ हो जाए। उनको अपने साथ एक मटका लेके जाना पड़ता था क्योंकि अगर वो कहीं भी अपने मुंह से कुछ निकाले तो उसका बूंद जमीन पे ना गिरे और मटके में गिरे। यही पे नहीं रुके, यहाँ तक के जो हमारे पिछड़ी जाति की औरतें थी उनके ऊपर स्तन का टैक्स लगाया गया था। स्तन का टैक्स, अगर किसी महिला को अपने स्तनों के ऊपर कपड़ा रखना है तो सरकार को उसको टैक्स देना पड़ता था। ये तीन पिछड़े जाति के लोगों ने देखा है और आज वही लोग हमारे शाहीन बाग में बैठे हुए माताओं को उंगली दिखा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, खुदा की इबादत और मां के प्यार से पवित्र चीज ये दुनिया में कोई है या नहीं है बताओ? क्या कोई मां 500 रुपए में बिक सकती है? क्या कोई मां की कीमत कोई लगा सकता है? इन लोगों ने कैसी क्या कीमत लगाई, क्योंकि ये जानते हैं कि हम अलग हैं।
क्योंकि ये जानते हैं कि हम हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में अपने आप को उलझाए रखते हैं, उसी का फायदा लेते हैं। लेकिन आज वो मुकद्दर समय आ गया है जब हम सब यहां पे बैठे हैं। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि मुझे आज ये दिन देखना पड़ा जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के सारे धर्म के धर्म गुरु एक साथ मंच पे बैठे हुए। एक बार ताली हो जाए इन लोगों के लिए। अरे हमारा संविधान कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई, तो ये चट्टी वाले कौन है? कसाई? ये कैसे क्या आप हमारी संविधान को झुठला सकते हैं? क्या हम आज इतने कमजोर हो गए हैं कि कोई भी आके हमारे संविधान को बदल के भाई भाइयों में झगड़ा लगा दे? अब मैं बताता हूं कि ये काला कानून लाने के पीछे इन लोगों का क्या मकसद है। आज जो भारत देश की हमारी अर्थव्यवस्था की जो हालत हुई है वो आप सब लोगों को पता है या नहीं पता है? हाथ ऊंचा करके बताइए, पता है या नहीं पता है? डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या आपके जेब में पैसा बचा? जीएसटी के बाद क्या चीजें सस्ती हुई? ये सारे चीजों से भटकाने के लिए ये कायदा लाया गया है। ये कानून इसलिए लाया गया है कि वो नहीं चाहते कि हम उनको सवाल करें कि क्यों हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। आपने तो मेक इन इंडिया का नारा दिया था, ये सेल इन इंडिया कैसे क्या शुरू हो गया? भारत पेट्रोलियम बिकने में है, बीएसएनएल बिकने के में है, एलआईसी भी आपने बेचने के लिए निकाल दिया। आप विकास करने आए थे या देश बेचने के लिए आए? ये सारे चीजों से हमें भटकाने के लिए क्या जरूरत है सीएए एनआरसी की, एनपीआर की? मुझे एक बात बताइए, जो हमारी सीमाएं हैं पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल की सीमाएं, क्या ये पूरी तरह से बंद की गई है? अगर हम एनपीआर कर भी देते हैं तो एक महीने के अंदर जिन लोगों को हमने बाहर निकाला था वो सारे घुसपैठिए फिर से अंदर आ जाएंगे। तो क्या फायदा हुआ इतने करोड़ों रुपए खर्च करने का? क्या फायदा हुआ इतने भारत के ये सारे लोगों को परेशान करने का, सारे लोगों को कतार में खड़ा करने का? जो हमारे मजदूर लोग दिन भर काम करते हैं और रात को खाना खाते हैं, उनको आप दफ्तर में भेजोगे तो उनके घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी मोदी साहब? आपको एक सर्टिफिकेट मांगा जा रहा तो 5 साल से नहीं मिल रहा, हमको आप क्यों दस्तावेज मांग रहे हैं? नहीं चलेगा ये राज, नहीं चलेगा गुंडा राज, और रंगा बिरला को यहां से जाना पड़ेगा। अगर कानून तड़ी पार नहीं करेगी तो जनता उनको तड़ी पार करेगी। बोलो क्या आप सब मेरे साथ हो?